नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 31 मई 2023, और यहां पर 1 जून 2023 के लिए यानी एक्सपायरी डे के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। चार्ट के हिसाब से आपको सिखाऊंगा सिलेक्शन रीजन क्या है, कहां पर बाइंग करना है आपको, कहां पर सेलिंग करना है। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है, प्योर एजुकेशनल वीडियो है। देखिए किस तरह से सिलेक्शन किया जाता है और लेवल निकाला जाता है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला स्टॉक 3 स्टार में जो है आपके सामने पेश करता हूँ, और वो है अरविंदो फार्मा का, और अरविंदो फार्मा का चार्ट आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। तो देखिए अरविंदो फार्मा का डेली का चार्ट अभी आप नहीं देख रहे, आप देख रहे हैं 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट पे अब आप समझ गए होंगे सिलेक्शन रीजन। बॉक्स लगा हुआ है तो आपको पता है कि ये आज इसने एक दिन काटने वाला पैटर्न बनाया। क्या कर किया है? दिन काटना है ना, दिन काटना पैटर्न बोलते हैं इसको, दिन कट्टन पैटर्न। एक रेंज में फंस गया, कहीं नहीं गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, फंस गया तो रेंज बाउंड हो गया। तो रेंज बाउंड के ऊपर या नीचे हमारा ट्रेड बनेगा। सिंपल स्ट्रेटेजी है तो बाय करेंगे। अगर ये 664 रुपये के ऊपर निकलता है तो पहले मुझे ये पता, सिलेक्शन रीजन समझ में आया। मैक्सिमम टाइम एक कैंडल को छोड़ दें तो मैक्सिमम टाइम अरविंदो फार्मा कहीं नहीं गया, इस वजह से इसको सिलेक्शन किया है। तो 664 के ऊपर बाय करेंगे और स्टॉप लॉस 660 का लेके चल सकते हैं। टारगेट होगा 668 का, दूसरा टारगेट 672 का, और तीसरा टारगेट 676 का। मान लेते हैं ये कि ऊपर नहीं जाके नीचे के लेवल को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे। सेलिंग लेवल जो हो जाएगा 654 रुपये के नीचे, सेल बिलो 654, जो स्टॉप लॉस होगा वो 658 रुपये, 658 का होगा। टारगेट पहला 650, 650, दूसरा 646, 646, और तीसरा 642, 642 का। दोस्तों शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड कर देना है, उसके बाद ही अगर स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक है और विंडो फार्मा का। अब देखिए सेकेंड स्टॉक भी पढ़ता हूँ, उसका भी नाम ए से ही है और वो बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, उसका नाम है एक्सिस बैंक। सिलेक्शन रीजन समझिए पहले, सिलेक्शन रीजन क्यों सेलेक्ट किया। तो आप 15 मिनट के चार्ट पे देखिए और एक्सिस बैंक को, और क्या देख रहे हैं आपको बहुत कुछ नजर आ रहा होगा, बस आपकी नजरें खोल देना है आपको। यहाँ पे देखिए ये 15 तारीख का क्या सपोर्ट लिया, ओहो जबरदस्त है ना। पहले ये रेजिस्टेंस था, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट बना के अपसाइड चला गया, फिर ये 19 तारीख को आया, उसको रिक्लेम किया, फिर सपोर्ट बना के ऊपर चला गया, फिर 23 तारीख को आया, फिर सपोर्ट बना के ऊपर चला गया, और अब देखिए उसको रिटेस्ट कर लिया आज 31 तारीख को, और फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, हिस्ट्री रिपीटेशन, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, 4 बार सपोर्ट एरिया को टेस्ट कर रहा है। तो सोचिए कि अगर फिर से वैसा ही कंडीशन हो तो बाय करेंगे ऊपर 920 को, जब ब्रेक करेगा तब बाय अबव 920, स्टॉप लॉस 913 रुपये, 913 का होगा, और जो टारगेट होगा वो 927, दूसरा टारगेट 934, 934 और तीसरा 941, 941 का। सिलेक्शन रीजन तो समझ में आ गया ना आपको। अब देखिए सेल साइड, तो सेल क्या है, ये 4 बार का सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट को तोड़ देगा तो सेल में चला जाएगा, तो 909 रुपया के नीचे सेल करना है, सेल बिलो 909 है ना, ये सेल करना है, और स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे 916 रुपये का चलेंगे, और जो टारगेट होगा 902 रुपये, 902, दूसरा 895, 895 और तीसरा 888 यानी 888 रुपये का रहेगा। देखिए फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचेगा ना तो अपना 50-70% क्वांटिटी को बुक कर लीजिए, और बाकी का आप स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये सेकेंड स्टॉक है एक्सिस बैंक। बढ़ूंगा तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ में दोस्तों, लेकिन उसके पहले बता दूं कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करें लाइव मार्केट में कॉल के लिए। प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ढूंढना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो फायर स्लैश ब्लू एंजल 1 0 था सेम को किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा, और अकाउंट ओपनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए गुजरात गैस है तीसरा और फाइनल स्टॉक। गुजरात गैस देखिए 26 तारीख 29 तारीख 30 तारीख 31 तारीख एक प्राइस चैनल के अंदर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, देख रहे प्राइस चैनल के अंदर। तो जब ये प्राइस चैनल के ऊपर निकल जाए या नीचे निकल जाए तब आपको एक ट्रेड देखने को मिलेगा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे, तो 509 रुपये, 509 के ऊपर निकलेगा तो बाय करिए, और स्टॉप लॉस 505 रुपये, 505 का लगा लीजिए। टारगेट होगा 513, 513,
दूसरा टारगेट 517 517 और तीसरा टारगेट 521 521 रुपए का। मान लीजिए सेल होता है, नीचे गिर जाएगा, नीचे का ट्रेंड लाइन को या पैटर्न को ब्रेक कर देगा, तो सेल करेंगे तो सेलिंग हो जाएगा 503 रुपए के नीचे, सेल बिलो 503। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 507 रुपए का लेके चलेंगे 507 का, और जो टारगेट होगा वो 499 499 दूसरा 495 495 और तीसरा 491 491 रुपए का। तो दोस्तों ये तीनों ही स्टॉक्स के लेवल मैंने आपको बताया, क्यों सिलेक्शन किया है, किस वजह से सिलेक्शन हुआ है, पैटर्न वाइज लेवल भी निकालना आपको सिखा दिया है। तो चलिए बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करिए, और बिना अपने रिस्क रिवॉर्ड हिसाब के देखते हुए ही आपको अपना ट्रेड लेना है, ठीक है। तो बाकी टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप ओपन है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में। के लिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।